को मैं वेलकम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वेब सेमिनार फॉर टुडे। क्योंकि आज वही मंगलवार, और मंगलवार हर मंगलवार हम लोगों को कुछ नया कुछ जानकारी मिलता है हेल्थ के ऊपर एंड प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर। तो आज जो मैं सेशन देने वाला वो पूरा नया टॉपिक है, क्योंकि मतलब जैसे लॉकडाउन, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग डे बाई डे हम लोग फेस कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। तो आज का जो सेशन है ये पहले कभी नहीं हुआ था। आज का जो सेशन होगा वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से हम लोगों का बहुत सारा बीमारी आते हैं शरीर के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, कुछ भी बीमारी आ जाए हम लोग किसी के पास चले जाते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। मगर ये जो बीमारी हमारा शरीर के ऊपर आते हैं ना, तो इसका जिम्मेवारी कौन है, ये खुद है, मैं हम लोग खुद है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ठीक तरीके से मेंटेन रखूंगा, ये मेंटेन करूंगा, तभी जाके हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए आपका उम्र कितना भी हो, या तो 30 साल हो सकता है, या 35 साल हो सकता है, या तो 60 साल भी हो सकते हैं। देखिए आप ऐसे मत बोलिए मेरा उम्र 60 साल हो गया, इससे बेहतर कैसे रह पाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। उम्र नहीं, ये आपका उम्र दो, हर आदमी का दो उम्र होता है। एक तो बाय बर्थ फिजिकली उम्र होता है, जो बाय बर्थ हम लोगों का एक उम्र होता है, और एक तो फिजिकल उम्र होता है, जैसे आपका बॉडी एज। क्योंकि एज के हिसाब से किसी का बॉडी एज ज्यादा होता है, एज के हिसाब से किसी का बॉडी एज कम भी होता है। जो लोग अपने आप को उसी हिसाब से मेंटेन रख सकते हैं, उनका बॉडी एज कम हो जाता है। जैसे सोचिए किसी का 40 साल उम्र है, मगर उनको देखने में लगता है 30 साल हुआ, 28 साल है। तो ऐसे भी होता है किसी का 30 साल उम्र है, उनको लग रहा है 40 साल, 42 साल लग रहा है, ऐसे भी होता है। मतलब एज के हिसाब से आपका उम्र ज्यादा लग सकता है, या तो एज के हिसाब से आपका उम्र कम भी लग सकता है, ये अपने आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो आज का जो सेशन में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ ये है अवेयरनेस के बारे में, खुद के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है ये प्रॉब्लम में हम लोगों को ओवरकम कर सके। तो हर आदमी को, यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार, ताकि आप लोग एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो नया सेशन होने वाला है, और उसके ऊपर जो कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको भी सुविधा होगा आने वाला दिन में, क्योंकि आप लोग वो पॉइंट के लेके आप रिवाइज भी कर सकेंगे और उसी हिसाब से चल भी सकेंगे। आप दूसरे को जो शेयर करने जाएंगे तभी आपको वो काम पे आएगा। तो लिखना और पढ़ना ये दोनों ही हमारा काम है। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो उससे काम नहीं बनेगा। जब स्कूल जाते हैं या स्कूल जाते थे तभी आपको पढ़ना भी होता था या लिखना भी होता था। तो लिखना पढ़ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ द एजुकेशन है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो सभी को मैं वही बोलना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा नोटबुक, क्योंकि आज का जो सेशन है वो नया टॉपिक के ऊपर है। क्योंकि ये जो आज का जो समय बहुत बहुत मतलब पेंडेमिक है, हम सभी को पता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। ये हालत कब तक रुकेंगे ये दुनिया में, ये भी किसी को पता नहीं है। तो सभी को वही मतलब वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आज का ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला। बाबूदा तुम्ही हाथ तुले बोलबे जे स्क्रीनटा शेयर हो चे कि ना। फुल स्क्रीन से, फुल स्क्रीन से। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज का जो सेशन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसा आप लोग सोचिए ये कोई बीमारी भी नहीं है, मगर एक हालत, जो मैं लास्ट सेशन में बोल रहा था ना, हम लोग जैसे इम्यूनिटी के बारे में जब बोल रहा था, तभी ये स्ट्रेस का एक, ये जैसे हम लोग चलते हैं उसके ऊपर, हमारा स्ट्रेस को लेके हम लोग चलते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में।
ये स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी। पहला जो बात आते है हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? ये WHO ने बोल रहा है हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब आपको वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। आप लोग ये मत समझिए हमारा कोई बीमार नहीं आता, कोई भूखा नहीं होता है, हम लोग स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब हेल्थ, ये हेल्थ मतलब ऐसा नहीं है आपका बीमार नहीं हो रहा है, कोई भी बुखार नहीं आ रहा है, कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब आप स्वस्थ है, ऐसे नहीं। स्वस्थ मतलब फिजिकली आपको स्वस्थ रहना होगा, जो आप बोल रहे हैं हमारा कोई बीमारी नहीं है, दैट इज फिजिकली, बट यू शुड बी अ मेंटली वेलबींग, मेंटली भी आपको सही रहना होगा। अगर आप मेंटली सही नहीं रहा तो आज के दिन में आपको शायद आपका शरीर में कोई सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, मगर आने वाला दिन में आपको वो फेस करना होगा, क्योंकि फिजिकली मतलब कोई बुखार या बीमारी नहीं है, ये फिजिकली तो ठीक हो गया, मगर मेंटली मतलब आप दिमाग से भी अच्छा रहना होगा। उसके साथ साथ सोशल भी आपको ठीक रखना होगा, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं उसका जो एनवायरमेंट वो बहुत फैक्टर करते हैं आपका मेंटल को ठीक रखने के लिए। आप सोचिए आप रात को घर लौट रहे हैं और किसी के साथ आप झगड़ा हो गया, तो आप मेंटली ठीक नहीं रह पाएंगे ना, आप तो मेंटली ठीक नहीं रह पाएंगे। तो ये जो है तो आपको मेंटल को ठीक रखने के लिए आपको सोशली भी ठीक रखने का जरूरत है, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं उसका एनवायरमेंट, एंटायर जो एनवायरमेंट, तो एंटायर जो एनवायरमेंट जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, वो अपने आप के ऊपर आप कैसे कौन सा झमेला को कैसे आप ओवरकम करेंगे, कैसे आप फेस करेंगे, ये आपके ऊपर। अगर आप झगड़ा करना चाहते हैं तो किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं, मगर आपको कंट्रोल रखना होगा अपने आप के ऊपर, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। अगर कोई सिचुएशन ऐसे अराइज कर गया तो यू शुड कंट्रोल ऑन इट, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यही करना होगा, आपको फिजिकली तो ठीक है, आपका बीमारी नहीं होता है, बुखार नहीं आता है, मेंटली भी ठीक रखना होगा और सोशली भी ठीक रहना होगा। अगर आप सोशली ठीक नहीं रह पाएंगे तो आप मेंटली भी अपने आप को ठीक रख नहीं सकेंगे, और इसके ऊपर आपको फिजिकली, अगर आप मेंटली ठीक नहीं रहा तो उसका असर आपका फिजिकल मतलब फिजिक के ऊपर, हेल्थ के ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में अभी आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। सॉरी, सो मेंटल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कीप अस हेल्दी। तो मैं जब बोल रहा था अगर मेंटली आप ठीक रख नहीं सकेंगे तो उसका असर आपको शरीर के ऊपर आएंगे। तो मेंटल जो पार्ट है मेंटल, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको हेल्दी रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए मेंटल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको ठीक रखना ये आपका जिम्मेवारी है, आप कैसे आपका दिमाग को ठीक रख पाएंगे। तो उसके ऊपर जो है, कॉमन पीपल आर मोस्टली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। देखिए कॉमन पीपल जो होते हैं ना वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो जाते हैं। जैसे हम लोग जो जैसे बिजनेस शेयर करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, वो क्या बोलता है, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे शेयर करते हैं कि नहीं। तो दे आर ऑलरेडी फोकस ऑन द प्रॉब्लम, वो बोलते हैं हाँ तुमको पता नहीं है हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर वो कभी, दे आर मेनली एंगेज ऑन कल्टिवेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। वो लोग सोचते हैं हमको ये हो गया वो हो गया, कैसे होगा, तो ये होने से वो हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, मैक्सिमम पीपल फोकस ऑन द प्रॉब्लम, वो लोग वो प्रॉब्लम को लेके सोचते हैं, कभी हाल को लेके नहीं सोचते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को लेके सोचेंगे तो प्रॉब्लम और बड़ा होते जाएंगे। जैसे फोकस्ड, यू आर फोकस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स। अगर आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर आप फोकस हो जाएंगे, वो इतना बड़ा हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, अगर आपका आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, आपका जो कर्म के ऊपर फोकस कर लीजिए, तो प्रॉब्लम ऐसे ही हट जाएगा, प्रॉब्लम ऐसे ही हट जाएगा। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, शायद बहुत आप ये सोच
में ये प्रॉब्लम से भुगत रहा हूँ, इससे भी मतलब बहुत बुरा प्रॉब्लम से और भी कोई भुगत रहा है, तो ये सोच लेंगे तो अपने आप को वो तसल्ली दे पाएंगे आप लोग। तो ये जो दिया मेनली, मतलब मैक्सिमम पीपल मेनली फोकस, हमको ये हुआ है, वो हुआ है, हमारा हालत ये है, हमारा इनकम कम हो गया है, मतलब फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखिए आप 10 आदमी को शेयर कीजिएगा, 9 आदमी आपको वही प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे को ये हुआ है, मेरे को वो हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे आर अनसक्सेसफुल पीपल, तो दे डू नॉट गो फॉर द सॉल्यूशन। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को लेके इतना सोच लेते हैं ना, उनके पास समय नहीं होता सॉल्यूशन को लेके सोचने के लिए, तो यू हैव टू गो फॉर इट, तो दे डू नॉट गो फॉर द सॉल्यूशन। व्हेन द पीपल फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखिए अगर आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो जाएंगे, क्या होता है, प्रॉब्लम्स द टोटल एनर्जी फ्लोस ऑन दैट एंड इट इंपैक्ट्स ऑन ब्रेन। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर, अगर आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस हो जाएंगे, तो आपका पूरा एनर्जी फोकस होगा प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपका पूरा एनर्जी फोकस हो जाएगा प्रॉब्लम के ऊपर, तो किसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, किसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, वो दिमाग के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम को आप दिमाग से सोच रहा है। ये कोई भी प्रॉब्लम आपका आपके पास आ जाए तो आप दिमाग से वो सोच रहा है, ये होने से क्या होगा, अभी क्या होगा, वो हो गया, इतना हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मत सोचिए, ये मत सोचिए, क्योंकि आप जो सोचेंगे, आप दिमाग से जो सोच रहा है, वो आपका जो सारा एनर्जी उसके तरफ जा रहा है, तो आपको क्या होगा, कोई क्यों बोलता हमारा काम करने का इच्छा नहीं होता, क्यों होगा, क्योंकि दैट्स द नेगेटिविटी, दैट्स दे फोकस्ड ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब प्रॉब्लम फ्लोस ऑन दैट एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन ब्रेन। अगर आप दिमाग को मतलब गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन का एनर्जी तो लॉस हो जाएगा, लॉस होने के बाद क्या होगा, वो ब्रेन के ऊपर ही असर रहेगा। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन गिव सिग्नल टू द ऑर्गन्स फॉर देयर फंक्शंस। ब्रेन क्या करते हैं, ऑर्गन्स को सिग्नल पहुंचाते हैं, लीवर को सिग्नल पहुंचाते हैं, ये खाना खा लिया, तुमको डाइजेस्ट करना है। लंग्स को क्या करते हैं, सिग्नल देता है, अभी तुमको ब्रीथ करना है। हार्ट को सिग्नल करते हैं, हार्ट टाइम तुमको पंप करना है ब्लड को। तो ये जो हर ऑर्गन का जो एक्टिविटी होता है, जो फंक्शन जो होता है, उसका सिग्नलिंग कौन करता है, ये ब्रेन। क्योंकि आप सोचिए, आप बाएं हाथ पे कोई मच्छर बैठे है तो आप क्या करते हैं, दाएं हाथ से उसको मारना चाहते हैं ना, अपने आप तो वो मर नहीं जाते, तो वो सिग्नल कौन देते है, ये ब्रेन आपको देते है, दाएं हाथ को बोलते हैं तुम बाएं हाथ को में जाके वो मच्छर को मारो। ब्रेन का काम यही है, ये सिग्नल पहुंचाना, मतलब ये दाएं हाथ को वो कमेंट करते हैं तुम जाके वो मच्छर को मारो, फिर जाके हम लोग मच्छर को मरते हैं। तो ये स्पैन एक तो टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। तो इन दिस सिचुएशन क्या होता है, ऑकरिंग हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर ब्रेन ठीक तरीके से सिग्नल नहीं कर रहा है, ब्रेन ठीक तरीके सिग्नल नहीं कर रहा, मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर आपका शरीर के ऊपर आएगा, हार्मोनल डिसऑर्डर, क्योंकि ये हार्मोन ही जो है जाके वो सिग्नल देते हैं, पहुंचाते हैं, जो हार्मोन इज द मीडियम, मतलब ब्रेन वो ग्लैंड के ऊपर जो पहुंचाते हैं सिग्नल, वो हार्मोन जाके वो ऑर्गन को बोलते हैं तुमको ये काम करना है। जस्ट हार्मोन इज द मीडियम जिसके जरिए ब्रेन उसके पास सिग्नल पहुंचाते हैं। इम्पैक्ट ऑन टोटल नर्वस सिस्टम, अगर ये आपका हार्मोनल सिस्टम डिसऑर्डर होगा तो आपको इसका असर किस पे ऊपर आएगा, टोटल नर्वस सिस्टम, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको इफेक्ट होगा, टोटल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होगा, मतलब आपका टोटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर होगा। एक तो आपका हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ, दूसरे इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, टोटल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका असर आएगा। तो जो लोग ज्यादा ऐसे चिंता करते हैं ना, उसका हार्ट का बीमारी आ जाते हैं ना, क्योंकि ये टोटल नर्वस सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट होता है। दैट्स क्रिएटेड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, जो ये जो डिसफंक्शन होता है ना हॉर्मोन्स का, तो ये क्या करते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन
which result oxygen deficiency in our body. अगर आपका हर organ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसके ऊपर क्या होगा, अगर lungs ठीक तरीके से काम नहीं करेगा क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा कि नहीं? जैसे कोरोना में हुआ था, लंग्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था तो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हुआ, तभी जाके ना हॉस्पिटल में दाखिल किया, क्योंकि हर कोई तो हॉस्पिटल में नहीं गया था ना। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कमी पैदा होता है शरीर के अंदर, अगर ये डिसफंक्शन हो गया विच रिजल्ट ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है हमारा शरीर के अंदर। और ये ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या करता है, वन कॉज ऑफ स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस पैदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम लोग बोलते हैं, ये है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे शरीर में पैदा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये दिमाग से सोचिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका हाल सोचिए, उसका हाल के ऊपर, उसका सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, तभी जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम को लेके आगे निकलना है। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ऐसे गला लगा लेते हैं, वो हक कर लेते हैं उसको, प्रॉब्लम को, चल तू मेरे साथ चल, ऐसे कर लेते हैं। का हल सोचिए, अगर हल सोचेंगे तो आपको जरूर हल निकलेगा, और अगर हल हो गया तो आप सक्सेस, यू हैव गॉट द सक्सेस एंड सॉल्यूशन आल्सो। इसके साथ साथ आवर इम्यून सिस्टम इज डिपेंड ऑन द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स। आप लोगों को पता ही है इम्यून सिस्टम जो है हमारा, हर ऑर्गन का फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला के हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। इम्यून सिस्टम इज नथिंग बट द फंक्शनल कॉम्बिनेशन फॉर ऑल ऑर्गन्स। हर ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को मिला के जो सिस्टम पैदा होता है, मतलब इम्यून सिस्टम, दैट इज। तो इम्यून सिस्टम अगर ऐसा हुआ, आवर बॉडी इज मेड, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल से बनते हैं हमारा शरीर, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, ऐसे ही सब से हमारा शरीर बनते हैं। पहले सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का जो फंक्शन जो है उसको मिला के बनता है सिस्टम, मतलब दैट इज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऑर्गन्स का फंक्शन को ठीक रखना होगा, ऑर्गन्स का फंक्शन को ठीक रखने के लिए ऑर्गन को ठीक रखना होगा, ऑर्गन को ठीक रखने के लिए टिश्यूज को ठीक रखना होगा, टिश्यूज को ठीक रखने के लिए सेल को भी ठीक रखना होगा। तो सोचिए, तो ये जो है हमारा पूरा शरीर का जो सिस्टम तक, सेल से सिस्टम तक, तो उसी को ठीक रखने के लिए सेल को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या है, ये अच्छी तरह सुन लीजिए या तो लिख लीजिए, स्ट्रेस इज ए स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ए स्ट्रेन वेदर इट इज फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ये स्ट्रेस जो शरीर के ऊपर आता है फिजिकली, अगर आप ज्यादा काम कर ले रहा है, आपका मोर देन एफर्ट, मतलब आप जितना कर सकते उससे भी ज्यादा कर रहा है, मतलब बहुत काम करते जा रहा है, आप रेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, बहुत थकान आ जाएगा, क्यों, आपका स्ट्रेस बढ़ गया। क्योंकि स्ट्रेस क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका काम एफर्टलेस काम की वजह से आपका शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, उसी वजह से आपका शरीर में वो स्ट्रेन बन जाएगा, दैट इज स्ट्रेस। क्लियर? ये स्ट्रेस आपका फिजिकली भी बन सकता है ओवरलोड काम करने से, या तो साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल ज्यादा प्रेशर लेने से भी आपको हो सकता है। अगर आप मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये स्ट्रेस बन सकता है। तो ये स्ट्रेस क्या है, इज ए स्ट्रेन, ये फिजिकली भी हो सकता है या तो मेंटली भी हो सकता है, मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली। ये क्या होता है, एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिजिकली साइकोलॉजिकली फीलिंग। कॉन्शियस हम लोग को तो वो नॉलेज था ना, कॉन्शियस जो हम लोग मतलब थ्रू ज्ञान से जो करते हैं, और अनकॉन्शियस जो हमारे अंदर रहते हैं, जो हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड हम लोग बोलते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकली, दैट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फीलिंग और फिजिकल सिचुएशन व्हिच कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल पॉजिटिव
और नेगेटिव प्रेशर। कोई भी काम करने से आपका मेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर भी असर, मतलब काम का रिजल्ट के ऊपर आपको इसका डिपेंड करता है, आपका शरीर क्या लेना चाहता है क्या लेना नहीं चाहता, कौन सा पॉजिटिविटी उनको मिल रहा है कौन सा नेगेटिविटी उनको मिल रहा है। मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसमें से आपका मेंटल प्रेशर आएगा नेगेटिविटी, और जो आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया तो आपको पॉजिटिवनेस आएगा। और ओवरवेल्म एडेप्टिंग कैपेसिटी, मतलब आप अपने हिसाब से भी ज्यादा आप कैपेसिटी, मतलब आपका जो खुद का कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा जाके आप करने जा रहा है, उससे मैंने ओवरलोड कैपेसिटी जो अभी अभी मैं बोलना चाहता था बोल रहा था आपको, जो ओवरलोड कैपेसिटी मतलब आपको जितना कैपेसिटी है, सोचिए आपका 10 कैपेसिटी है, आप लोड बढ़ा दिया आप 15 करके ले रहा है, तो क्या हुआ वो ओवरलोड हो गया, ओवरवेल्म हो गया, ज्यादा हो गया, आपका कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो उसी से बनता है ये स्ट्रेन, मतलब दैट इज स्ट्रेस पैदा होता है हमारे शरीर के अंदर। मतलब स्ट्रेस मेनली फिजिकली भी हो सकता है साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, जो साइकोलॉजिकली जैसे दिमाग का, ठीक है। तो इसके साथ साथ कैसे होता है, देखिए कैसे हॉर्मोनल डिसऑर्डर पैदा होता है हमारे शरीर में जिसके जरिए हमारा स्ट्रेस पैदा होता है। देख पाथ फ्लो ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस पर्सीव बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोनल जो एक्टिविटी जो रहता है रिलीजेस सीआरपी, सीआरपी जो है जो फैक्टर्स जो है वो रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस, उससे क्या होता है सीआरपी जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है रिलीजेस एटीएसीएच, एड्रेनल जो हार्मोन जो है उसको रिलीज करते हैं। ये एड्रेनल हार्मोन क्या करता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर इसका इंपैक्ट आते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या होता है रिलीजेस कॉर्टिका स्टेरॉइड, एक स्टेरॉइड जैसा जो जो जबरदस्ती काम करना चाहते हैं तो वो रिलीज करते हैं, वन टाइप ऑफ हार्मोन जो उधर से रिलीज होता है, उससे जाता है स्ट्रेस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, उससे हमारा शरीर के ऊपर स्ट्रेस इफेक्ट आता है। देखिए ये फोर स्टेप में धीरे धीरे कैसे हार्मोनल, ये जस्ट हम लोगों को ये शेयर करने चाहता हूँ, तो कैसे हमारा हार्मोनल चेंजेस आता है जिसके जरिए हमारा शरीर के ऊपर ये स्ट्रेस पैदा होते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ जैसे हाइपोथैलेमस से वो इंपैक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करते हैं वो इंपैक्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा शरीर में वो स्ट्रेस पैदा होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का तीन टाइप का स्ट्रेस होता है, देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस कौन सा होता है, इट्स आवर बॉडीज इमीडिएट रिएक्शन टू ए न्यू चैलेंज। सोचिए आप कोई भी न्यू चैलेंज आपके सामने आए हैं, ठीक है, और इमीडिएट उसके ऊपर आपका शरीर मतलब इम्पैक्ट आ गया, इमीडिएट उसके ऊपर आपका कोई इवेंट डिमांड एंड इट्स ट्रिगर्ड योर फाइट ऑन फाइट रिस्पॉन्स। मतलब सोचिए आपको ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ चुका है, इमीडिएट आप उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया, आपका शरीर के आपके ऊपर वो इम्पैक्ट हो गया, उसके ऊपर आपका मेंटल या फिजिकली इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये अचानक मतलब जल्द से जल्द इमीडिएट जो होता है, तुरंत जो होता है इमीडिएट जो एक्शन होता है उसको बोलता है एक्यूट स्ट्रेस, उसी को बोलता है एक्यूट स्ट्रेस, जो इमीडिएट एक्शन होता है रिएक्शन होता है शरीर के ऊपर जो चैलेंजेस के ऊपर, मतलब जब लोग हम लोग वो चैलेंजेस फेस करते हैं उसी के ऊपर जो इमीडिएट जो इफेक्ट होता है उसी को बोलता है एक्यूट स्ट्रेस। मतलब अब वो शॉर्ट टाइम स्ट्रेस होता है, वो शॉर्ट टाइम स्ट्रेस लॉन्ग टाइम स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसके बाद जो है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है वही एक्यूट स्ट्रेस जो एपिसोडिक, सोचिए आप एक बार वो सिचुएशन फेस किया, वो सिचुएशन बार बार मतलब हफ्ता में या महीना में आप वही फेस करते जा रहे हैं, जैसे व्हेन एक्यूट स्ट्रेस हैपन फ्रीक्वेंटली इट्स कॉल्ड एपिसोडिक, मतलब हफ्ता में हर हफ्ता में या हर फोर्टनाइट में वही स्ट्रेस वही सिचुएशन आप फेस करते जा रहा है और उसके जरिए आपका शरीर के ऊपर वही इम्पैक्ट होते जा रहा है, दैट इज एपिसोडिक। जैसे हम लोग एपिसोड देखते हैं ना, जैसे सीरियल या एपिसोड जो हम लोग देखते हैं वही, तो वो ये एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस जो होता है तो एक्यूट स्ट्रेस ही होता है एपिसोड, मतलब एक फ्रिक्वेंट इंटरवल में वो होते जाते हैं, ठीक है, दैट इज एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। और इसके बाद जो क्रॉनिक स्ट्रेस, जो इफ एक्यूट स्ट्रेस इज इन रिजॉल्व, अगर आपका वो जो सिचुएशन फेस कर रहा है आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है,
उसी को लेके जा रहा है, जो एक्यूट से एपिसोडिक एक्यूट बन गया है। अगर एपिसोडिक एक्यूट पे अब आपने आपको रिकवरी नहीं करा, नहीं किया, तो क्या होगा, वो क्रॉनिक स्टेज पे चला जाएगा, क्योंकि इजन रिजॉल्व एंड बिगिन टू इंक्रीज एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक दिन एक महीना में आप ओवरकम नहीं कर रहा है, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, वो सॉरी अब नेग्लेक्ट करते जा रहा है, वो नेग्लेक्ट करते करते वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाएंगे और ये लॉन्ग टाइम पे चला जाएंगे, और उसी को कहता है क्रॉनिक स्टेज। तो तीन किस्म का स्टेज हम लोगों को पता है, जो इंस्टेंट जो एक्शन होता है, जो वीकली या फोर्टनाइट में वही एक्शन होता है बार बार, और अगर उसी एक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, देन इट बिकम्स अ क्रॉनिक स्टेज। ये सिम्टम साइंस ऑफ स्ट्रेस ये लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये सिम्टम के बारे में आप लोगों को पता है तो आपको इसको ओवरकम करने में और भी सुविधा होगा, आपको जानने में सुविधा होगा हमारा ये स्ट्रेस प्रॉब्लम चल रहा है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या, फ्रीक्वेंट हेडेक आपको, मतलब फ्रीक्वेंट मतलब कम गैप में, आप एक दिन अंतर या दो दिन अंतर या तीन दिन अंतर, हफ्ते में दो बार तीन बार आपको हेडेक कंटिन्यूस प्रोसेस में होते जा रहा है, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। बॉडी एक, पूरा बदन दर्द कर रहा है, पूरा बॉडी बॉडी एक मतलब पूरा बदन अब दर्द होता है, ये भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। चेस्ट पेन एंड पैल्पिटेशन, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है या पैल्पिटेशन हो रहा है, आपको कोई भी सिचुएशन के ऊपर आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, चिंता हो रहा है, आप नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस फील कर रहा है, दैट इज पैल्पिटेशन। तो ये चेस्ट पेन या पैल्पिटेशन भी आपको वन टाइप ऑफ स्ट्रेस सिम्टम्स है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए ये आपको ये जो सिम्टम्स एक पे एक आपका शरीर में पैदा होते जाएंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में भी दिक्कत होगा तो ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है, मतलब ये स्ट्रेस का भी कारण हो सकता है अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब आपका अच्छी तरह नींद नहीं आएंगे, या तो आप बैठे बैठे सो जाएंगे, ये भी ये इंसोम्निया जो ये भी हो सकता है, मतलब आपका ऑक्सीजन का कमी अगर शरीर में पैदा हो गया तो ऐसा इंसोम्निया आपको अच्छा सा बैठे बैठे आप सो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण होता है, ये साइन ऑफ स्ट्रेस। मतलब अगर आपका ये है इंसोम्निया हो रहा है, मतलब ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम, मतलब आपका शरीर में स्ट्रेस आप लेते जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ग्रीटिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, अपने आपको अंदर मतलब मन में ही आप ऐसे ही, मतलब हम लोग करते हैं ना अपने आप, मतलब दिमाग को हम लोग खा जाते हैं, मतलब ग्रीडी हो जाते हैं, ग्रीडी बहुत ग्रीडी हो जाता है, दांत को हम लोग घिसते हैं अपने आप को, अपने आप के ऊपर बहुत मतलब ये हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं इसमें, तो ये भी एक सिम्टम्स है आपका ये स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस में हम लोग क्या क्या हो जाते हैं, देखिए फ्रीक्वेंटली हेडेक, मतलब बार बार हेडेक होने लगेंगे, बॉडी एक, चेस्ट पेन एंड पैल्पिटेशन हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अब सांस लेने भी दिक्कत हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल यूजेस, अगर स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूजेस बढ़ा देंगे, आप सोचिए आपका सिम्टम, आपका टेंशन चल रहा है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन हो रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेकिंग आपको बढ़ जाएंगे, किसी किसी को होता है टेंशन में ज़्यादा स्मोक कर लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो ये भी आपका सिम्टम्स है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ये सब आपको आप कर रहा है, तो ये इंसोम्निया, ग्रीटिंग अपने आपके ऊपर, वेट गेन और लॉस, आपका वेट गेन या लॉस जो हो रहा है वो भी एक कारण बन सकता है स्ट्रेस का, मतलब स्ट्रेस के कारण आपका वेट गेन और लॉस भी हो सकता है, ये सोचिए। अब लोग ऐसे मत सोचिए हमारा वेट गेन हो रहा है मतलब हमारा ओबेसिटी आ रहा है, मतलब वो भी कारण वही है स्ट्रेस का। अगर स्ट्रेस का कारण है वो आपको ढूंढना होगा, पहचानना होगा, महसूस करना होगा, उसी सब से आपको ओवरकम करना होगा, क्योंकि कोई कोई आपका वेस्टिन प्रोडक्ट लेके भी आप दुबला नहीं होता है, तो आपको देखना होगा क्यों आपका ओबेसिटी आया है, क्यों आपका वेट गेन हो रहा है या तो वेट लॉस हो रहा है,
तो ये ध्यान देके सोचना होगा। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तभी आपको वैक्सीन को लेके आपको कुछ फायदा नहीं है, क्लियर? तो उसी हिसाब से आपको चलना होगा। देखिए, और भी से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको पिशअप करने जाएंगे, बार बार आपको पिशअप लग जाएंगे, आप करने जाएंगे, ये भी आपका स्ट्रेस का कारण। दिस मीन सेक्सुअल डिजायर भी कम होते जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, और उसके जरिए बहुत सारा ऑर्गन डिसफंक्शन होता जाएंगे। इसी हिसाब से आपको सेक्सुअल डिजायर भी आपको कम होने लगेंगे, ठीक है? उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नौसिया एंड वॉमिटिंग। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए कैसे ऑर्गन वाइज, देखिए आपको जो जो सिम्टोम आपको अभी तक बता रहा था, हर ऑर्गन वाइज, जैसे ब्रीदिंग मतलब हार्ट का या लंग्स का प्रॉब्लम, तो ये कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका लिवर फंक्शन का या डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट हो गया, मतलब हार्मोनल जो सिग्नलिंग बंद हो गया ना, तो तभी जाके आपको ऑर्गन का फंक्शन डिसफंक्शन हो गया, उसी हिसाब से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया, और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नौसिया, वॉमिटिंग जैसा भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स है आपका स्ट्रेस का। कोल्ड एंड स्वीटी हैंड एंड फीट, स्वेटी मतलब आपको ठंड भी लग सकता है, अचानक ठंड लग गया, या तो मतलब स्वेटिंग हो रहा है, आपका हाथ और पैरों में स्वेटिंग हो रहा है, ये भी स्ट्रेस का एक कारण। ये जो हाथ और पैरों में अचानक आपको स्वेटिंग हो रहा है, या तो अचानक बहुत ठंड लग रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म गिर गया। देखिए, स्वेटिंग हैंड एंड फीट मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, और कोल्ड मतलब मेटाबॉलिज्म गिर गया, तो ये भी एक हार्मोनल डिजॉर्डर का कारण। और ये कारण किससे होता है, वो स्ट्रेस से बनता है। तो स्ट्रेस इज वेरी कॉमन फैक्टर व्हिच कैन इम्पैक्ट इन आवर बॉडी इन मेनी वे। हाँ, बहुत तरीके से इसका इम्पैक्ट आ जाता है शरीर में। सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन, देखिए ये जो है सोशल विड्रॉल मतलब सोशली आप ज्यादा मतलब मीट करना पसंद नहीं करेंगे, अब नेबर्स के पास नहीं जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को मेंटली आप क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, मेंटली आप अपने आप को डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उससे पसंद नहीं करेंगे मीट करने के लिए, मतलब फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी में आप जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को आप इंट्रोवर्टी सोचने लगेंगे, मैं हम अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि हमारा इतना सारा प्रॉब्लम है, कोई नहीं सोचता है हमारा प्रॉब्लम के बारे में, ऐसे सोचते हैं आप लोग, इसके वजह से स्ट्रेस बनता है, क्लियर? तो इसके साथ साथ क्या इफेक्ट होता है, देखिए अच्छी तरह इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छी तरह इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या इफेक्ट हो सकता है। डिक्रीज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसाइज, इंटेस्टिनल मूवमेंट, डाइजेशन, इम्यून एंड एलर्जिक सिस्टम। देखिए, अगर आपका स्ट्रेस बन गया तो हार्मोनल सिस्टम डिसऑर्डर, सिग्नलिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होगा शरीर को, तो वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है? इंटेस्टिनली जो है, जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बोल रहा था, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएंगे, उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट आएंगे, उसके साथ साथ एलर्जिक सिस्टम मतलब आपका सेंसेशन हाई हो जाएगा, तो आपको बहुत सारा एलर्जिक प्रॉब्लम भी आ सकता है शरीर में। तो सोचिए, ये एलर्जी ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस स्ट्रेस प्रॉब्लम, तो ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ सप्रेस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ये तो हम लोगों को पता चल चुका अभी तक। उसके साथ साथ फास्टर ब्लड क्लॉटिंग, शरीर में ब्लड क्लॉट जल्द से जल्द हो जाएंगे, जल्द से जल्द ब्लड क्लॉटिंग हो जाएंगे ये स्ट्रेस की वजह से, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है या ब्रेन हेमरेज भी आ सकता है। उसके साथ साथ इंक्रीज स्टोमक एसिड, आपका एसिडिटी बढ़ जाएंगे, स्टोमक में आपका एसिडिटी बढ़ जाएंगे, इसलिए जिनका टेंशन होता है ना, उनका गैस का प्रॉब्लम है, गैस एंड एसिडिटी का प्रॉब्लम, मतलब अगर आपका दिमागी हालत सही नहीं है, मतलब आपका हार्मोनल सिक्रेशन सही नहीं है, वो सिग्नल कर नहीं पा रहा है लिवर फंक्शन को, लिवर को फंक्शन करने के, तो उसमें क्या होगा, आपको एसिडिटी बढ़ जाएंगे स्टोमक में, मतलब आपको गैस एसिडिटी का सिम्टम बढ़ जाएंगे शरीर में। इसके साथ साथ इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड इन ब्लड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, तो क्या होगा इसमें, इसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, फैटी एसिड इन ब्लड और एनर्जी, जैसे एनर्जी पैदा करते हैं फैट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएंगे इस ये स्ट्रेस के कारण।
अगर स्ट्रेस ठीक स्ट्रेस के कारण क्या होगा, वो सबका फंक्शनल जो प्रॉब्लम फंक्शनल जो होगा वो इफेक्ट होगा, फंक्शनल इफेक्ट आ जाएगा ऑर्गन के हिसाब से। उसके कारण क्या होगा, जो फैट से जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो भी कम हो जाएगा, जो फैटी एसिड जो बनाते हैं तो वो भी कम हो जाएगा। तो वो कम होने से आपको एनर्जी नहीं लगेगा कुछ काम करने को, एनर्जी मन नहीं लगेगा उसमें। इसके साथ साथ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, देखिए जिसका दिमाग की हालत नहीं ठीक होता उनका ब्लड प्रेशर हर टाइम अपवर्ड रहता है, उनका ब्लड प्रेशर हर टाइम अपवर्ड रहता है। उसके साथ साथ लोकलाइजिंग इन्फ्लेमेशन, शरीर का कोई भी पोजीशन पे कोई भी सी जगह पे आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है कोई भी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो नहीं पा रहा है तो किसी जगह पे वो जाके स्टक हो जाएंगे तो उधर इन्फ्लेम हो सकता है। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ब्लड शुगर फॉर एनर्जी, देखिए इसलिए क्या होता है ब्लड शुगर पैदा होता है, जो डायबिटिक टाइप 2 हम लोग बोलते हैं ना, इसमें क्या होता है ब्लड शुगर ब्लड में शुगर ज्यादा पैदा होते हैं ताकि आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए क्या होता है ब्लड में शुगर पैदा ज्यादा होने से हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड शुगर या तो डायबिटिक पेशेंट। तो ये डायबिटिक टाइप 2 स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज जो शुगर का प्रॉब्लम आता है दैट इज डायबिटिक टाइप 2 का। तो इफेक्ट और स्ट्रेस हम लोगों को पता चल गया। तो इसके बाद कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण, देखिए कॉमन एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। एक्सटर्नल क्या क्या है, एक्सटर्नली हमारा शरीर में कौन सा कॉजेस है जो कि हमारा स्ट्रेस को पैदा कर सकते हैं, मेजर लाइफ चेंजेस। देखिए आप ठीक ढंग से आप लाइफ को मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मेजर लाइफ चेंज है, मतलब आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से आपको स्ट्रेस बन सकता है। वर्क और स्कूल, मतलब अगर आप अच्छी तरह काम काम ठीक तरीके से जा नहीं रहा है, काम पे जा नहीं रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसी सब से आप कर सकते हैं। तो ये जो है स्कूलिंग, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, अगर हम ठीक तरीके स्कूल तो स्कूल अगर ठीक तरीके टाइम टू टाइम जो स्कूल नहीं जा पा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, अभी देखिए आज का सिचुएशन में बच्चे लोगों का जो स्कूलिंग कर रहा है इसमें आपको पता नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। 1 साल के बाद देखिएगा बच्चे लोगों का दिमाग की हालत, देखिए 100% ये स्ट्रेस बन रहा है। बच्चे लोगों को घर में खेलने दीजिए, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे और डे बाय डे ये एपिसोडिक स्ट्रेस उसके बाद क्रॉनिक स्ट्रेस पे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसका स्ट्रेस, उसका दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस काम के ऊपर, इससे दिमाग की हालत ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा हो पाता है, उसका असर आके ऐसे इफेक्ट होता है। रिलेशनशिप डिफिकल्टी, अगर आपके साथ मतलब किसी का संबंध अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपका दिमाग की हालत नहीं ठीक होगा, उसके जरिए क्या होगा आपको स्ट्रेस इफेक्ट होगा शरीर के ऊपर, वो स्ट्रेस पैदा होगा शरीर के ऊपर। क्योंकि किसी को बात करने के लिए तो किसी को चाहिए ना, अगर अपने आप को आप घर घर में बैठा के रखेंगे किसी के साथ बात नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस ऐसे ही बनेगा क्योंकि मेंटली आपका हालत नहीं ठीक होगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया वही दिमाग की हालत क्या होगा कैसे आएगा। जिन लोगों का जॉब चला गया, जिन लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, उन लोगों से पूछिए क्या हालत है उनका। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे होता है, अगर आपका फाइनेंशियली आप जो काम कर रहे थे आपका इनकम आ रहा था मगर ये काम नहीं कर पा रहा है तो इनकम नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए कैसे इसको क्या करना है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। बीइंग टू बिजी, ज्यादा बिजी होने से भी आप क्या किसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सक रहा है तो ये भी स्ट्रेस का एक कारण बन सकता है। चिल्ड्रन एंड फैमिली, अगर आप चिल्ड्रन के साथ या फैमिली के साथ आप समय नहीं दे रहा है, ये चिल्ड्रन के साथ या फैमिली के साथ समय नहीं दे रहा है, जो अभी अभी बोला रिलेशनशिप डिफिकल्टी, ये ऑल्सो आर टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप। अगर आप बच्चे के साथ समय नहीं दे रहा है, फैमिली के साथ समय नहीं दे रहा है, क्या होगा अपने आप से आप बात करते जा रहा है,
मेंटली आप फ्री कभी हो नहीं पाएंगे। आपको फैमिली को भी टाइम देना होगा, काम भी करना होगा, सब कुछ करना होगा विद इन द टाइम टेबल। तो अगर आप फैमिली को टाइम देंगे या तो बच्चे को टाइम देंगे, आपको माइंड भी फ्री रहेंगे। उसी हिसाब से ये भी एक कॉज है आपका नहीं देने का, ठीक है, स्ट्रेस का एक कारण। कॉमन इंटरनल कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, देखिए अभी तक बोल रहा था बाहर का, जैसे रिलेशनशिप ठीक नहीं, फैमिली को ठीक तरीके से आप देख नहीं रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन जो है, तो ये तो है एक्सटर्नल हो गया। अभी इंटरनल देखिए, क्रॉनिक वोरी, आप कुछ भी किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा वोरीड हो गया, ज्यादा दिमाग को लगा दिया उसी हिसाब से, तो क्रॉनिक वोरी मतलब आप बहुत चिंता कर रहा है क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, वो होगा ये होगा, बस आपका दिमाग की हालत क्या होगा, डिक्लाइन होगा। अगर दिमाग की हालत डिक्लाइन हुआ तो ये भी कॉज ऑफ स्ट्रेस है। पेसिमिज्म, अगर आप अपने आप को एक जगह रखना चाहते हैं, अपने आप के बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में सोच नहीं रहा है, मतलब आपको माइंड को फ्री करना है। जैसे सिद्धार्थ सर का सुबह का वो प्रोग्राम रहता है ना, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं हु एम आई, मैं सब कुछ हूं, वो मैं को हटाना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो करना है, हेलो हेलो सुन रहे अच्छे चिंता पूरा आसे तो हाँ हाँ ओके ओके सॉरी ठीक है। तो ये जो है इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो पेसिमिज्म मतलब आपने आपको सिर्फ मत सोचिए, सभी के बारे में सोचिए। अगर सभी के बारे में सोचेंगे आपका ब्रेन एक्टिविटी अच्छा रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे आपके साथ, तो आपका ये मतलब स्ट्रेस का कॉज नहीं बनेगा। उसके साथ साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक, मतलब आपने आपसे नेगेटिव टॉक कर रहा है, ये नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी, अगर कोई मेरे से नेगेटिव बोलता है ना, उसमें से मैं पॉजिटिव निकालता हूँ। कोई भी नेगेटिव बोल देंगे तो मैं उसमें से पॉजिटिव निकालने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का, हर कोई सिचुएशन का पॉजिटिविटी भी है। जो फोकस करते हैं नेगेटिविटी के ऊपर, उसका मेंटल के ऊपर उसका स्ट्रेस आता है, मतलब इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर, आपको स्ट्रेस बनता है। तो ये भी एक कॉज है आपका मेंटल स्ट्रेस का। उसके साथ साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब क्यों कंपनी ने इतना कम रुपया भेजा, अच्छा मैंने तो 1500 किया ना पीवी, तो उतने ऊपर तो डायरेक्टर बोनस मिलना चाहिए, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने पूरा नहीं किया। देखिए दुनिया में एक ही बात होता है, सक्सेस मतलब 100%, नॉट 99.99%, 99.99% से सक्सेस नहीं बनता, सक्सेस तो 100% से ही बनता है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत कीजिए जो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी को अपनाइए, क्योंकि रियलिटी ऐसा चीज है, ये बहुत हार्ड चीज, बहुत कड़वा चीज है, उसको मतलब एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है। इसलिए वो 3-5% पीपल आर सक्सेस, दैट्स व्हाई जिन लोगों ने ये रियलिटी को आजमा लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों को सक्सेस मिला है। तो ये रियलिटी को आप अपनाइए। इसके साथ है रिजिड थिंकिंग, मतलब आप जो सोच रहे हैं उसमें रिजिड हो गया, मतलब आप किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते, मतलब आप जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, दूसरे का सोच का कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ऐसे मत होइए, रिजिड मत होइए, बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स्ड, ठीक है ना, बी लिबरल, क्योंकि सभी के साथ एडजस्ट करना है, बी एडजस्टेबल पर्सन। अगर आप रिजिड हो गया, आपका ब्रेन में वो स्टक हो जाएंगे, आप एक ही बात सोचने लगेंगे, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा का मेरा कहना मानना होगा, ऐसे नहीं है, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। अगर सब कुछ है या मतलब कोई एटीट्यूड का कोई मतलब स्पेसिफिक एटीट्यूड नहीं है, कभी भी कुछ भी आपका एटीट्यूड बदलते जा रहा है, कभी भी कुछ भी एटीट्यूड, ये स्विंग मूड बोलता है,
ये मूड स्विंग जो होता है ना, ये भी वन कॉज ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस के वजह से आपको क्या होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर से ये सब कुछ होता है। तो देखिए इसके साथ साथ फैक्टर्स, अभी तक जो कॉजेस ऑफ बोल रहा था, अभी फैक्टर्स इंफ्लुएंस स्ट्रेस इंटॉलरेंस, स्ट्रेस को इंटॉलरेंस करने के लिए जो फैक्टर्स है इसको अच्छी तरह लिख लीजिए, हर कोई लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप लिख लीजिएगा तो आप क्या होगा, ये स्ट्रेस को जल्द से जल्द आप ओवरकम कर पाएंगे। आज का जो सिचुएशन है इसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है, आवर नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस। आप देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेस को मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, वही ना। तो इंटॉलरेंस, स्ट्रेस इंटॉलरेंस मतलब ओवरकम कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। देखिए हेल्थ के बारे में अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो तुरंत मेरे को फोन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सर के पास नॉलेज है, सर हम लोगों को रास्ता दिखा देते हैं। बस वही नॉलेज आप लोग भी ले सकते हैं, बस वही लिखना है पढ़ना है, लिखना है पढ़ना है, एक ही काम बार बार करना है, वही नॉलेज एंड प्रिपेयरनेस। ऑप्टिमिस्टिक जो अभी अभी बोल रहा था, पेसिमिस्टिक मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब वाइड, ये दिल को इतना बड़ा कर दीजिए, अपने आप को छोड़िए, अपने आप को छोड़िए, आप दूसरे के बारे में सोचते जाइए, ऊपर वाला अपने आप को देख लेंगे, आपको ऊपर वाला देखेंगे अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे। बड़ा दिल कीजिए, बी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, अगर करेंगे तो इंटॉलरेंस कर सकते हैं आप स्ट्रेस को, ठीक है। हार्डीनेस मतलब हम लोग जो कर्मठ या वर्किंग कल्चर में रहिए, हार्डीनेस बहुत एफर्ट देके काम कीजिए, ताकि आप कोई भी सिचुएशन को हल कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे देखिए ये फार्मर, जो फार्मर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं फील्ड में, उधर धूप भी रहता है, बारिश भी रहता है, कुछ भी रहता है, वो काम करते जाते हैं, क्योंकि उनका रूटीन ही है ऐसा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके काम करते हैं, दैट इज हार्डीनेस। अपने आप को उसी हिसाब से बनाइए, ताकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी वर्क को हम लोग इजीली ओवरकम कर सके। सेंसेशन सीकिंग, ये जो कोई भी आप सीख, कुछ भी आप मांगते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सोचिए, सेंसेशन मतलब सेंसेशन को हाई कीजिए, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके ऊपर दिमाग डालिए, ठीक है। आपको मतलब रियलाइजेशन रहना चाहिए, कोई भी काम के ऊपर आपको रियलाइजेशन रहना चाहिए, दैट इज स्पेशल सेंसेशन, कोई भी आप मांगते हैं उसके ऊपर। सोशल सपोर्ट, सोशली आप सपोर्ट करना, जैसे पिछले में बोला था, सोशली आप मिलना नहीं चाहते किसी के साथ, अपने आपको पेसिमिस्टिक बना लिया, तो ये सोशल सपोर्ट मतलब आप बहुत आदमी से, पूरा सोसाइटी के साथ आप घुल मिल के बात कीजिए, उसके साथ मिलजुल के काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सोशली सपोर्ट कीजिए, क्लियर। किसी को सपोर्ट कीजिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, तभी जाके आपको ये स्ट्रेस को ओवरकम कर पाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे रिलीफ होता ये भी लिख लीजिए, कैसे ये स्ट्रेस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, देखिए बॉडी रिलैक्सेशन करना है, अगर बॉडी को रिलैक्सेशन कीजिएगा तो आपका टोटल नर्वस सिस्टम, टोटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलैक्स होगा। उसके साथ साथ ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं, सुबह को मेडिटेशन क्यों करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए, डीप ब्रीदिंग जैसे करते हैं ना, ये है टेक्निक रिलैक्सेशन का, गाइडेड इमेजिनरी, तो ये गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को चलना है। जैसे हम लोग डीप ब्रीथ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ साथ योगा, हम लोग जो सुबह को करते हैं योगा, जैसे रामदेव जी का करते हैं सूर्य प्रणाम, वर्कआउट रूटीन अप मतलब हर रूटीन माफिक, डे वाइज रूटीन माफिक हम लोगों को वर्कआउट करना है, जैसे 35 से 40 मिनट तक वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट करना है, ताकि हमारा शरीर का हर ऑर्गन एक्टिव रहे। तो फिजिकल एक्सरसाइज में योगा एंड वर्कआउट आपको 100% करना है होगा,
जैसे हम लोग करते हैं वॉकिंग, हैप्पी वॉकिंग करते हैं ना, दैट इज वर्कआउट, एंड योगा करते हैं उसके बाद रामदेव जी का, ये एक तरीका है आपको स्ट्रेस को ओवरकम करने का। मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, तो दवा नहीं लेते हैं ना, हम लोग क्या लेते हैं उसके बदले में सप्लीमेंट लेते हैं, उसके बारे में मैं आने वाला हूँ जस्ट। तो ये मेडिकेशन के लिए क्या लेना होगा इसको लेके हम शेयर करेंगे। तो पहले ये सोच लीजिए मेडिकेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको रिलैक्स करना होगा बॉडी को, इसका डीप ब्रीदिंग, गाइडेड इमेजिनरी जो सब करना है तो ये सब करना है, उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज करने, आपको वर्कआउट, योगा एंड मेडिकेशन के लिए क्या क्या लेना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग भी करना है। क्या काउंसलिंग? टॉक थेरेपी, आपको बातें करना है, जैसे लाफिंग थेरेपी, लाफिंग थेरेपी इज ऑल्सो अ थेरेपी टू रिलैक्सेशन आवर बॉडी। तो ये टॉकिंग थेरेपी, आपको बात करना है। लाइव कोचिंग, जैसे किसी के ट्रेनर के जरिए हम लोगों को लाइव कोचिंग लेना है, जैसे कैसे चलना है, क्या ढंग से चलना है, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम लोग ज्यादा बिताते हैं उसको कैसे ओवरकम करके कैसे डे वाइज रूटीन के माफिक हम लोगों को चलना है, ये भी हम लोगों को ट्रेनर से जानना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। उसके साथ चेंजिंग परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन को भी चेंज करना होगा, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगे जो अभी अभी बोल रहा था, डोंट एक्सपेक्ट सो मच, एक्सपेक्ट विद इन द लिमिट, जो ऊपर वाला हम लोगों को दिया है उसको लेके संतुष्ट रहिए, डोंट बी ग्रीडी, उसके ऊपर ग्रीडी मत होइए, नहीं हमारा ऊपर वाला हमको कम दिया है, हमको और चाहिए ये मत सोचिए, ये आपका मेंटल के ऊपर असर पड़ता है और कारण ये बनते हैं। क्लियर? बी हैप्पी, व्हाट हैज गिवन बी हैप्पी, ब्रेक जॉब्स टास्क इनटू मैनेजेबल पार्ट। देखिए जॉब ब्रेक करके अब टास्क, क्योंकि अभी जो जितना सारा आईटी सेक्टर है ना, उनमें से हर आईटी सेक्टर में आपको जिम है, तो एक हर इंटरवल की गैप में जाके जिम में उसको वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स से ये सर्कुलेशन आए हैं, मतलब कोई आदमी 8 घंटा इकट्ठा बैठ करके काम करे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ये शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है। इसलिए हर मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जिम रहना जरूरी है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट से मतलब ये सर्कुलेशन आए हैं, ताकि आपको आपका जो एम्प्लॉई है उसके जिम्मेवारी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो इसीलिए हर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ये आपका जिम रहता है, हर जॉब की गैप में आपको जाके वो एक्टिविटी करना पड़ता है। उसके साथ साथ सेट रीजनेबल एंड रियलिस्टिक गोल, ऐसा गोल सेट कीजिए दैट शुड बी रीजनेबल एंड रियलिस्टिक। आप ऐसे मत कीजिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, मैं वेस्टेज से इतना पैसा कमाऊंगा, मैं चांद में, मैं मून में जाऊंगा, लैंड खरीदूंगा, ऐसे मत सोचिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन शुड बी इन द रियलिस्टिक, ठीक है ना, आपको उसी से हाँ गोल सेट कीजिए धीरे 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 धीरे, ऐसे मत सोचिए आप सीधा ज्वाइन किया आपने बहुत कुछ सोच लिया, ऐसे मत सोचिए, तभी क्या होगा अगर नहीं कर पाएंगे तो डिसहार्टेन हो जाएंगे, अब नेगेटिव बन जाएंगे। तो धीरे धीरे, जैसे एक ट्रेनिंग देता था ना प्रोफेसर, जो अब जंगल पार होने में आपको एक टॉर्च लाइट चाहिए, जो टॉर्च लाइट आपको एक मतलब एक उसका एक लेंथ होता है, वो लेंथ के पास जाने से और लाइट और आगे चले जाते हैं, तो आप मत सोचिए कैसे पहुंचेंगे, वो धीरे धीरे आप पहुंच भी जाएंगे। तो आपका गोल उसी हिसाब से सेटिंग कीजिए, ताकि छोटा गोल बड़ा सेटिंग, ऐसे नहीं छोटा छोटा करके आप देखिए एक बड़ा हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए बड़ा कुछ करना नहीं होता, बड़ा काम करने के लिए छोटा काम हर दिन करना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए छोटा काम हर दिन काम करना होता है बड़ा कुछ करने के लिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, रीजनेबल एंड रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। अवॉइड प्रोक्रास्टिनाइजेशन, अब इसको अवॉइड कीजिए, मतलब ओवर ये कीजिए मत कीजिए, ये कर लिया वो कर लिया है, शुड बी योर लिमिटेशन,
प्रोक्रास्टिनेशन ऐसे मत कीजिए, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ करेंगे, शुड बी द रियलिस्टिक वे मेंटेनिंग एंड सेट बाउंड्रीज। अब वो जो गोल का बाउंड्रीज जो है उसको सेट कीजिए ताकि आपका ग्रिप में रहेंगे और गोल भी आपको रीच हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये करना है, इसके साथ साथ डोंट कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज एंड बिलीफ, आपका विश्वास, देखिए वही विश्वास खुद के ऊपर, आप खुद के ऊपर खुद का वैल्यू एंड बिलीफ को मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए। आपका खुद का कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू को कभी मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए वैल्यू के साथ, क्योंकि आपका भी वैल्यू है और उसके साथ साथ बिलीफ आपके ऊपर, खुद के ऊपर जो बिलीफ है उसको भी मत खोइए। आपने आपके ऊपर भरोसा कीजिए तभी जाके आप सक्सेस बन पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसको ओवरकम करने के लिए शेड्यूल मी टाइम टाइम, स्टॉप स्ट्रेसिंग स्टार्ट लिविंग। आपको स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वही करना है, शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को सेट करना है ताकि पूरा काम अच्छी तरह अच्छी ढंग से हो जाए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, तभी जाके आपको स्ट्रेस ओवरकम कर पाएंगे। जैसे हम लोगों का रॉस टेम्बिट्री का एक शेड्यूल है, हर 8:30 बजे हम लोग आते हैं एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को लेके, क्लियर। तो इसके साथ साथ अभी जो है जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज फुट पैच, जो अब कुछ दिन पहले आप लोगों को बता के गया था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ये एक दिन अंतर आपको यूज करना होगा। इट्स बेस्ड ऑन फूड रिफ्लेक्सोलॉजी, जो कि डिपेंड ऑन एक्यूपंक्चर थेरेपी, जो कि एक्यूपंक्चर थेरेपी के ऊपर है बेस्ड। तो ये करने से क्या होगा, आपका शरीर में से जो टॉक्सिन जो डिपोजिशन हुआ था वो भी निकल जाएंगे, उसके साथ साथ आपका शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये हर ऑर्गन से टॉक्सिन निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या करते हैं, ये फुट पैच स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए पहला प्रोडक्ट है जो कि आपको हर अल्टरनेट डे को इस्तेमाल करना है। शरीर से जो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे धीरे धीरे आपको ऑर्गन और भी एक्टिव होते जाएंगे और इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होगा, इम्प्रूव होगा इसके साथ साथ, और आपका इसके जरिए क्या होगा, आपका स्ट्रेस को भी ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि शरीर को ये रिलैक्सेशन देंगे ये फूड पैच, फूड पैच जो कि दिन में एक करके दिन में 2 बार लेना होता है, जो सी बक्तन इज अ वेरी मच मतलब रिच इन मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स विद फैटी एसिड भी है इसके साथ साथ, जो कि हमारा शरीर को मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, एज वेल एज हमारा एक्टिविटी को एंड स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं ये सी बक्तन, क्लियर। इसके साथ साथ स्पाइरुना को आप लोगों को पता है, स्पाइरुना में बहुत सारा तो है, ये छोड़ दीजिए, मेनली स्पाइरुला इज ऑल्सो आर मोस्ट रिचेस्ट फूड इन दिस वर्ल्ड, जो कि ऑक्सीजन इसके अंदर है, क्योंकि ये वाटर एल्गी है जो कि क्लोरोफिल इसके अंदर क्लोरोफिल है जो इटसेल्फ कंटेन्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जो कमी होता है ये ऑक्सीजन खुद ब खुद वो शरीर के अंदर देते हैं और उसी सब से हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, उसी सब से हमारा स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट का भी एक पार्ट है स्पाइरुना, जो कि हमारा मल्टीविटामिन मिनरल्स भी है, इसके साथ साथ ये हमारा स्ट्रेस को भी ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं स्पाइरुना। तो पहला प्रोडक्ट क्या था, जो डेटॉक्स एंड फूड पैक, जो कि हमारा टॉक्सिन्स को निकल के हमारा जो बॉडी का एक्टिविटी, जो हार्ट पार्ट को या हार्ट ऑर्गन का एक्टिविटी को ठीक रखते हैं और रिलैक्स पहुंचाते हैं शरीर को, उसके साथ साथ पावरफुल मल्टीविटामिन मिनरल्स दैट इज सी बक्तन फैटी एसिड बहुत बढ़िया है, उसके साथ साथ स्पाइरुला भी है बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन मिनरल्स है, उसके साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीजन आपको क्लोरोफिल के जरिए ऑक्सीजन कंटेंट है इसके अंदर, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जैसे स्पाइरुला में जो भी एस्मा या प्रॉब्लम में जो हम लोग देते हैं स्पाइरुला को, इसलिए देते हैं और ये एनर्जी लेवल एंड मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ाने में
मदद करते हैं। इसके साथ साथ नोनी, नोनी को आप लोगों को पता है, अगर हर किसी का, अगर हर किसी का बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिलना होता है तो नोनी को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नोनी क्या करते हैं, वो सेल हमारा शरीर बनता है सेल से, पता है ये सेल का पोर्स को क्लीन करके पोर्स को ओपन करते थे और पोर्स को ओपन करके प्रॉपरली न्यूट्रिशन देने में मदद करते हैं नोनी, ताकि इसको क्या करते हैं, इसके जरिए मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने में मदद करते हैं नोनी, और ये एनर्जी भी देते हैं अपना शरीर को थ्रू द सेल नरिशमेंट, थ्रू द सेल नरिशमेंट ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं शरीर को नोनी थ्रू द सेल नरिशमेंट। इसके साथ साथ फ्लैक्सीड ऑयल है, जो फ्लैक्सीड ऑयल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके हर ऑर्गन में हार्मोनल जो फंक्शन उसी को ठीक रखने में मदद करते हैं, उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन सर्कुलेशन को ठीक रख के हमारा टोटल कार्डियो वास्कुलर सिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं, उसके जरिए हार्ट फंक्शन जो हार्ट जो पंपिंग है, अगर हार्ट पंपिंग हार्ट फंक्शन ठीक रहा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेंगे, उसके जरिए ऑक्सीजन सर्कुलेशन ठीक रहेगा, हर ऑर्गन में वो ऑक्सीजन पहुंचेंगे ब्लड के जरिए और उसके जरिए स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करते हैं ये फ्लैक्सीडॉल। तो फ्लैक्सीडॉल भी एक प्रोडक्ट है जो हमारा स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं फ्लैक्सीडॉल, जो कि दिन में एक करके दिन में दो लेना होता है फ्लैक्सीडॉल, जो फ्लैक्सीडॉल जो खाना खाने के बाद, क्या खाना खाने के बाद एक करके दिन में दो बार लेना होता है। इसके साथ साथ क्रील ऑयल को भी आपको पता है, क्रील ऑयल को भी आपको पता है, जो क्रील ऑयल मोर पावरफुल देन फ्लैक्सीड ऑयल, और 10 से 12 फ्लैक्सीड ऑयल लेने से आपको एक क्रील ऑयल का काम होगा, इसका बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है जो एस्टाजांथिन, जो आपका शरीर का बहुत ऑक्सीजन स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करते हैं, ये आपको पता था क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये दे चुका, ये सेशन दे चुका, क्योंकि ये ऐसा जंक्शन ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारा शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है उसको ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं, और ये भी आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दिन में तीन करके आप 1 से 1.5 महीना लीजिए, दिन में तीन करके शुरू में, फिर उसके बाद दिन में 2 करके लेते जाइए फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो ये 1.5 से 2 महीना बाद आप दिन में 2 करके ले सकते हैं। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए शुरू में आप 2-3 करके ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और इससे क्या होगा, आपका टोटल कार्डियो वास्कुलर सिस्टम ठीक रहेंगे, ऑक्सीजन स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करेगा, उसके साथ साथ बहुत सारा फैक्टर्स जो है शरीर में उसको ओवरकम करने के लिए मदद करेंगे आपको। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है, पहला था फुट पैच, नेक्स्ट था सीबाथन, देन था आपका स्पाइरुलिना, नेक्स्ट फ्लैक्सीड ऑयल एंड लास्टली या क्रील ऑयल, एंड इसी के साथ ये प्रोग्राम आज इधर ही खत्म होने वाला है, और थैंक यू एवरीबॉडी एंड ओवर टू प्रवीर दा। सुपर ट्रेनिंग आज थोड़ा